अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, फ्रेंड कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, हरीश होंगे। तो आज हम बना रहे हैं मलाई बोटी। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि हम आपके साथ ही कुछ स्पेशल रेसिपी शेयर करें। तो हम रेस्टोरेंट स्टाइल में हम आज मलाई बोटी बनाएंगे। तो हमने बोनलेस ले लिया है, ये थाई का बोनलेस है, चिकन का, चिकन थाई बोनलेस एक एक किलो हमने ले ली है ये सब। और इसके अलावा हमने वो 1.5 कोकोनट पाउडर ले लिया है और चौथाई हिस्सा हमने सौंफ का पाउडर ले लिया है और 1 स्पून हमने काली मिर्च ले ली है, अदरक का 1 स्पून ले लिया पाउडर और लहसुन का 1 स्पून ले लिया पाउडर और हसबे का नमक हमने ले लिया। उसके अलावा हमने हरी मिर्च 4 से 5 ले लिए, इसको चॉप कर लिया है और हमने छोटी इलायची 5 से 6 पीस चॉप कर लिए, इसको पाउडर कर लिए। इसके अलावा हमने लेमन 1 ले लिया बड़े साइज का, ये हमने बादाम को क्रश कर लिया। उसके अलावा हमने ये दही है, दही ले लिया। उसके अलावा हमने ऑयल ले लिया, ये दही का ये बड़ा सर्व स्पून है, ये हमने 2 ले लिए और ये 3 हमने ऑयल के ले लिए। इसके अलावा हम क्रीम डालेंगे, ये हमारी नेस्ले की क्रीम है, कोई भी डाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बहुत सारी कंपनी हैं जो फूड क्रीम इस्तेमाल होती हैं। तो चलो हम अपने रेसिपी की तरफ से चलते हैं। तो आप पहले लोग इससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमें इनबॉक्स में ज़रूर मैसेज करके बताएं। तो चलो हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और इसको मैरिनेट करते हैं। तो हम एक बाउल ले लेते हैं, ये एक बाउल ले लिया, इसमें हम ये सब चिकन डाल देंगे। उसके अलावा जो हमने मसाले बताए थे, ये मसाले भी अभी डाल देंगे इसी के अंदर। दूसरे ये भी डाल देंगे ऑयल भी डाल देंगे। और दही भी डाल देंगे और नेस्ले की क्रीम भी डाल देंगे। एक हमने पूरी अभी डाल ली है, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो दूसरी भी हम डाल सकते हैं। अब इसको मैरिनेट करेंगे और नींबू भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ये रेस्टोरेंट स्टाइल की है, तो हम रेस्टोरेंट में ऐसे ही बनाते हैं, ये बहुत टेस्टी होती है। ये हम रात को मसाला लगाएंगे, कल हम को बनाएंगे, कल दोपहर या शाम को हम बनाएंगे, क्योंकि इसमें अच्छी तरह से मसाला जज़ब हो जाता है और टेस्टी बनेगी। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, तो हमें अभी इसमें क्रीम और दही थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, तो इसमें मज़ीद हम ये दोनों चीज़ें ऐड करेंगे। उसके अलावा ऑयल भी, और इसमें हम मज़ीद और दही ऐड कर रहे हैं, को कम नज़र आ रहा है तो ऑयल भी एक एक बड़ा स्पून, और इसमें हम क्रीम भी ऐड कर देंगे। चार स्पून हमने क्रीम के भी ऐड कर लिए। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अब हमने इसके ऊपर प्लास्टिक लगा दिया, तो ये 12 घंटे तक इसमें अच्छा मसाला चला जाएगा चिकन। फिर हम इसको ग्रिल करेंगे। जिन फ्रेंड अब हम आग को चला लिया, तो अब हम अपनी रेसिपी बनाएंगे। यहाँ हम मलाई बोटी भर रहे हैं। फोकस करो, मलाई बोटी। बात करो, ये फ्रेंड हाफ हमने भर लिया है। अब हम सब भर के तो फिर हम पकाएंगे। ये फ्रेंड अब हमने ये मलाई बोटी भर ली है, तो अब हम इसको पकाएंगे। ये फ्रेंड अब हम मलाई बोटी को कोयला में पकाएंगे। अब 10 मिनट हो गए हैं, अभी 10 मिनट और लगेंगे। जी फ्रेंड फ्रेंड अब हमारा ये मलाई टिक्का तैयार है, और हमें आप लोगों ने इनबॉक्स में ज़रूर बताना है, और हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।